1948-49 में साइन बोर्ड पेंटर बना, फिर बैनर बनाता था, फिर छोड़ के अच्छे पैसे मिलते थे। अहमदाबाद में था, छोड़ के बड़ौदा भागा। फाइन आर्ट्स कॉलेज की शुरुआत थी MS यूनिवर्सिटी की। ये बिरादरी वालों ने पागल डिक्लेयर किया कि एक कमाता धमाता लड़का यंग एज में क्या हो गया है, छोड़ के अब वो पढ़ाई के लिए भाग रहा है। पैसे तो थे ही नहीं। आमतौर से पहले पंडितों के पास में भीख मांगना का ही रास्ता था। वो भीख मांगना स्वाभिमान को थोड़ा तकलीफ देता था। वो भूखा रहने की तैयारी के साथ में बड़ौदा फाइन आर्ट्स में ज्वाइन किया था और तकदीर ने यारी दी। फोर्थ ईयर में हमें नेशनल अवार्ड मिला। बड़ी बड़ी हस्तियाँ कॉम्पिटिटर थी और लगातार 3 साल मिलता रहा। तो गाड़ी चलती रही है और अब तक चलती जा रही है। हाँ, अब जो कुछ हो पाया उतना। 4 घंटे से ज़्यादा सोया नहीं हूँ लाइफ में। आपने एक बात कही, उससे मुझे ध्यान आ रहा कि हुसैन साहब भी पहले ये फिल्मी पोस्टर रहे थे। जी हाँ जी हाँ। और मैं जब दुबई में उनके साथ में था तो उन्होंने बताया था कि पहली मेरी पेंटिंग 25 पैसे की ऐसे भी की थी। हाँ, तो बहुत खुश हुए थे वो। हमारी भी ये 1953-54 में वो गीत गोविंद की एक प्रिंट 10 रुपये में भी की है यहाँ पे। ये हमारे पार्लियामेंट हाउस की लाइब्रेरी है उसमें। अच्छा। और पहली पेंटिंग बॉम्बे के अंदर शो था तो म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट का डायरेक्टर एशिया सोसाइटी अरे एशियन डिवीजन के थे, आए थे, 75 रुपये में पेंटिंग खरीदी। और वही टाइम होते हुए इंटरनेशनल प्रदर्शन के जज बन के आए तो हमारे काम के ऊपर उस समय में होस्ट कंट्री को अवार्ड देना वो कोई कंपलसरी नहीं रखा था, क्योंकि उसका हम मीनिंग इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल ट्रेन वाले प्रूव कर पाए। तो तब भी हमें कंपटीशन में 3 बनानी शुरू की थी, उसमें से 1 पूरी करके तीनों ही पूरी की थी और भेजी एक ही। अच्छा। और वो एक ही कोई 10 फुट बाय 5.5 फुट की थी वो ले आई। वो मंद्रो विलर साहब अमेरिकन जो जूरी मेंबर के चेयरमैन है वो कहने लगे कि मैं तो शांति को ही मिलने के लिए, क्योंकि पहले सालों पहले 75 रुपये की उन्होंने खरीदी हुई थी। तो कहे मैं मिलने के लिए आया हूँ। मैंने कहा सर आपका काम जब तक पूरा ना हो, आई एम वन ऑफ दी कॉम्पिटिटर, आई डोंट वॉन्ट टू इन्फ्लुएंस यू इन एनी वे। हंसने लगे जिसको जिसने जवाब दिया उसको कि ये उम्र मैंने काटी है, मैं बेवकूफ थोड़ा ही होऊंगा कि मैं ऐसे ही अयोग्य व्यक्ति को मैं दे दूँ। तो जिंदगी अच्छी गुजरी है, खुशी है। अब 82 पार कर गए। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, परिवार के सब बच्चे होनहार अपने आप को प्रूव करते जा रहे हैं, उनका हर एक का संसार है। टाइम मिलता है तो लॉन्ग डिस्टेंस कॉल घंटा घंटा काम बातें कर लेते हैं, और क्या चाहिए। और यहाँ आते हैं तो देखो ना, ये समाज में आप जैसे लोगों का प्यार मिलता है, उसका कोई मूल्य हो सकता है नहीं। उसकी हम कदर करते हैं। चलिए अब मैं काम करूँ। जी जी।